पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ध्यान दिया जाए, आज के बाद कोई भी स्टूडेंट कभी भूल नहीं पाएगा क्यूब संयोजन संख्या क्या है, और कभी याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पढ़ाई का दूसरा टेक्निक है। किसी भी गोले के चारों ओर ये है हमारा सिलेक्टेड गोला। हमने मान लिया कि परमाणु एक गोले का रूप है, परमाणु की व्यवस्था मतलब गोले की व्यवस्था। सीधा साधा परिभाषा, किसी गोले के संपर्क में जितने गोले स्थित होते हैं, किसी गोले के सन्निकट स्थित कुल गोलों की संख्या को उपसंयोजन संख्या कहते हैं। साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहां पर देख सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 गोले के संपर्क में है, तो ये क्या है, उपसंयोजन संख्या 6 रखने वाला व्यवस्था है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो यहां पर आप 2 डायमेंशन में स्टडी कर रहे हैं, 2 डायमेंशन में, और 2 डायमेंशन में संकुलन 2 प्रकार का होता है। 2 डायमेंशन में संकुलन कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, जिसमें से 1 प्रकार का आपने देखा। आपको बता दें कि संकुलन का नाम होता है षटकोणीय बल संकुलन। षटकोणीय बल संकुलन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जो गोला संपर्क में है उसके केंद्र को मिलाने पर षटभुज बन रहा है, इसलिए इसका नाम षटकोणीय बल संकुलन है। अगर हम वर्गाकार यानी कि इसी में वर्गाकार बल संकुलन का अध्ययन करें, ठीक है, वर्गाकार बल संकुलन का अध्ययन करें, तो वर्गाकार बल संकुलन का अध्ययन करने से पहले थोड़ा सा इस पर एक बार फिर से ध्यान दे दीजिए। इसमें प्रथम पंक्ति जो है या द्वितीय पंक्ति, प्रथम पंक्ति तृतीय पंक्ति के समानांतर है और द्वितीय पंक्ति चौथे पंक्ति है। नीचे से अगर बताते हैं तो प्रथम पंक्ति तृतीय पंक्ति के और द्वितीय पंक्ति चौथी पंक्ति, सभी पंक्तियां एक दूसरे के समानांतर नहीं है। और जिस गोला पर भी एक नजर आप डालेंगे तो एक गोला 6 गोले, इस गोले पर सपोज दैट, तो 6 गोले के संपर्क में, तो ये 6 गोले के संपर्क में दिखाई दे रहा है। अब जरा यहां देखा जाए कि अगर अगर सभी पंक्तियां एक दूसरे के समानांतर हो, सभी पंक्तियां एक दूसरे के समानांतर हो, तो सभी पंक्तियां एक दूसरे के समानांतर हो, यानी कि ये 3 गोले का पंक्ति है, 3 गोले का पंक्ति है और सभी एक दूसरे के समानांतर है। बढ़िया से देखिए, एक गोला 4 ही गोला को मतलब स्पर्श कर रहा है, एक गोला कितने गोले को, 4 गोले को, और देख सकते हैं एक ऊपर संपर्क कर रहा है, एक नीचे, एक बाएं, एक दाएं। अगर इसको पढ़ा जाए, बताइए ये गोला कितने गोले के संपर्क में है, चमत्कार जब कहां कहां कैसे कैसे, एक ऊपर, एक नीचे, एक बाएं, एक दाएं, कोई दिक्कत? तो उपसंयोजन संख्या का मान 8 की 10 4, कोई दिक्कत? सही है, पूरा पूरा इनको समझ में आ रहा है, बढ़ जाइए। तो यहां पर एक गोला 4 गोले के संपर्क में है। अब सभी स्टूडेंट एक काम और देख, एक चीज और देख लीजिए, ये भी द्विविमीय बंध संकुलन है और वो भी द्विविमीय बंध संकुलन है। इसके केंद्र को अगर आप मिलाएंगे, इसके केंद्र को मिलाएंगे आप इन सभी के जो कांटेक्ट में गोला है, इसके केंद्र को मिला के देखिए क्या बन रहा है, इसके केंद्र को मिला के देखिए क्या बन रहा है, वर्ग। तो इस बंध संकुलन का नाम है वर्गाकार बंध संकुलन, जबकि ये भी 2 डायमेंशन का अरेंजमेंट है, ये भी 2 डायमेंशन का, ये भी द्विविमीय, ये भी द्विविमीय, लेकिन यहां पर संकुलन मतलब उपसंयोजन संख्या का मान आ रहा है 4 और यहां आ रहा है 6। अब आप बोलिए अगर 1 डायमेंशन में अगर अध्ययन करें, 1 डायमेंशन का मतलब बस एक लाइन में, एक लाइन में, तो कोई गोला पर एक नजर, सपोज दैट इस गोला पर आपका नजर है, समझ रहे हैं, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, एक आगे एक पीछे।
तो ये वन डायमेंशन में देख लिए, ये टू डायमेंशन में देख लिए, और थ्री डायमेंशन का मतलब क्या, ये जो देख रहे हैं तीन पंक्ति, ऐसा ही तीन पंक्ति उठा के इस पर रख दिए, तो अभी केवल लंबाई चौड़ाई था, अब जैसे ही ऊपर रखेंगे तो ऊंचाई भी आ जाएगी। जैसे ये चार पंक्ति देख रहे हैं वैसे ही उठाकर इसी पर चार पंक्ति और रख दी, तो अभी तो केवल लंबाई चौड़ाई चल रहा था, ऊंचाई भी आ गई। तो वहां पर अगर हम उप ससंयोजन संख्या का अध्ययन करें, कोऑर्डिनेशन नंबर का अध्ययन करें, तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया गया था पिछले क्लास में कि यहां पर हम बी सी सी का अध्ययन कर रहे हैं, तो बी सी सी में यही बताया गया था कि देखिए जो बीच वाला गोला होगा वो जिस तरह से यहाँ इस रूम में बताए थे कि एक बीच में गोला है और चारों आठों कॉर्नर पर गोला है, तो ये गोला इस आठ कॉर्नर पर स्थित प्रत्येक गोले के कॉन्टेक्ट में होगा। और इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, इस फिगर के माध्यम से ये फिगर आपको अच्छे से समझा कर रख देगा। ये देखिए इसी का हम बात कर रहे थे, एक गोला आठ गोले के संपर्क में है, चार ऊपर चार, कोऑर्डिनेशन नंबर कुल कितना लेयर है इसमें, तीन लेयर है, पहला लेयर ग्रीन बॉल का, दूसरा रेड बॉल का जो एक केवल उसमें से आया है, और तीसरा लेयर, लेयर मतलब परत, पूरा परत ये गोला का बना है, एटम का बना गया, और एटम को गोलाकार बना गया। अब उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट को उप ससंयोजन संख्या हमेशा याद रहेगा, किसी भी मतलब परमाणु को एक गोले के सदृश माना गया है, और किसी भी गोले के सन्निकट स्थित कुल गोले की संख्या को क्या कहते हैं, और अगर किसी आयनिक क्रिस्टल का बात हो रहा है तो किसी आयन के चारों ओर स्थित विपरीत आयनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, उप ससंयोजन संख्या कहते हैं। तो ये है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम बात करते हैं आज के पढ़ाई का, एकक सेल के घनत्व की गणना, ध्यान दिया जाए, ये रहा आपका एकक सेल। एकक सेल के घनत्व के गणना से पहले आप सभी स्टूडेंट को दो मिनट में परमाणु की संख्या की गणना पहले सिखा दे, नहीं तो ये टॉपिक अच्छे से नहीं समझ में आएगा। इसके लिए पहले परमाणु की संख्या निकालने के लिए सिखा दे, एक कॉन्सेप्ट है, कॉपी के पीछे लिखिए, लिखवाए थे आप लोगों को, समझाए थे कॉपी के पीछे, हाँ ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, पढ़ाया जा चुका है 11th क्लास में, लेकिन सभी स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं इसलिए पढ़ाया जा रहा है। लिखिए जल्दी से कॉन्सेप्ट, लिखकर डैश, कॉन्सेप्ट लिखकर डैश दिया जाए, उसी फेयर के कॉपी के पीछे इस तरह का दो तीन कॉन्सेप्ट लिखवाया जाएगा, दो तीन चैप्टर में, एक विद्युत रसायन चैप्टर में भी कॉन्सेप्ट आएगा समतुल्य भार से संबंधित, और ये कॉन्सेप्ट बार बार जरूरत पड़ेगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने के लिए। लिखे परमाणविक द्रव्यमान ग्राम में, किसी तत्व का लिखेगा, किसी तत्व का परमाणविक द्रव्यमान ग्राम में, किसी तत्व का परमाणविक द्रव्यमान ग्राम में, किसी तत्व का परमाणविक द्रव्यमान ग्राम में, किसी तत्व का परमाणविक द्रव्यमान ग्राम में बराबर का चिन्ह 6.022 गुणे 10^23 वोल्ट पर से 6.022 गुणे 10^23 परमाणु लिख लिए। अब इस पूरे स्टेटमेंट को घेर दीजिए, परमाणु लिखकर घेर दीजिए, और अब जरा समझिए, पहले ध्यान दिया जाए, यह है आपका आवर्त सारणी, इस आवर्त सारणी में 118 तत्व है, इससे संबंधित एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। जब तक केमिस्ट्री में आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तब तक इस कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा हमेशा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में है। और क्या कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणविक द्रव्यमान ग्राम में, सपोज दैट आप सभी को कुछ नहीं तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान याद है कितना,
23 ग्राम सोडियम, यही कह रहा है कि किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान जहां ग्राम में लिए तो उसमें परमाणु की कुल संख्या 10^23 परमाणु होगी। अगर हम बात कर रहे हैं आपके सामने एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 होता है, तो यही चीज क्या लिखाएगा बोलिए, 27 ग्राम एल्युमिनियम बराबर 10^23 एटम्स परमाणु। अगर यही बात कैल्शियम के लिए लिखे तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 40 ग्राम कैल्शियम बराबर 6.022 × 10^3। बट पर ध्यान दीजिए, एकदम शांत दिमाग से एक बार मेन आज के पढ़ाई में इसी को समझना है। ये जिसको आ गया, एकक सेल का घनत्व तो हमेशा निकालने आ जाएगा, याद नहीं करना पड़ेगा, फुल कैलकुलेशन है आज का टॉपिक। तो यहाँ आप जान चुके कि किसी भी तत्व का बात करेंगे जितना परमाणु द्रव्यमान होता है उसी में इतना परमाणु रहेगा। अब आप ही बताइए, जबरदस्ती हम यहाँ लिख दे 100 ग्राम कैल्शियम बराबर इतना परमाणु, सही कि गलत? इसलिए गलत क्योंकि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है और आपने जबरदस्ती 100 लिख दिया, और 40 ग्राम जितना परमाणु द्रव्यमान होता है उसको ग्राम में लिखेंगे तो इतना पीछे, फिर पूछेंगे तो नहीं आएगा, चला लो मोबाइल तू, तो फिर कार नीचे देख रहे, रसगुल्ला बट रहा है विश्वास। यहाँ पढ़िएगा तभी ना समझ में आएगा, भरसक याद करना पड़ रहा है आपको रट रट के, आप पूछने पर नहीं बता रहे, समझिएगा तो पढ़ाई आसान हो जाएगा। देखिए तो यहाँ 100 ग्राम कैल्शियम लिखना गलत होगा, क्या लिखना सही होगा, 40 ग्राम कैल्शियम में इतना परमाणु। उल्टा बोलिए, उल्टा इसका बोल के देखिए जल्दी, 6.022 × 10^23 परमाणु कैल्शियम का कितना ग्राम होगा, सब लोग समझ रहे हैं? तो एक परमाणु का द्रव्यमान बता दीजिए 10^3 ग्राम ना, तो एक परमाणु का द्रव्यमान आप सभी स्टूडेंट को निकालने जब आ गया तो जल्दी से बताइए सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान आपके माइंड में क्या सेटअप हो रहा है कि जहां पर परमाणु द्रव्यमान है वहां 23 बोल दे। अगर हम बोलेंगे एल्युमिनियम तो क्या बोलिएगा, 27 × 6.022 × 10^23, मतलब आपके दिमाग में ये बात फिट हो गया कि जिस तत्व का बात होगा उसका परमाणु द्रव्यमान ऊपर लिखेंगे और बटा में युगांडो संख्या, बटा में। अब रुक जाइए थोड़ा सा और, अगर हम कहेंगे कि कैल्शियम का एक परमाणु का द्रव्यमान आपको निकालने आता है तो 10 परमाणु का द्रव्यमान बनाइए, तो कोई दिक्कत है, बस गुणा 10, 100 परमाणु का द्रव्यमान। अब एकदम सुपर फास्ट स्पीड से आंसर देना है, क्वेश्चन हमारे पूछते ही, मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 होता है, ठीक है, तो इसके 15 परमाणु का द्रव्यमान आंसर। समझ में आ गया सबको? अब देखिए आज का पढ़ाई कितना अच्छा से समझ में आ रहा है। चलिए ध्यान दिया जाए, ये है आपका एकक सेल, एकदम फ्रेश अच्छे से पहले समझ लिया जाए फिर आप लिखेंगे। ये है आपका एकक सेल, इस एकक सेल के किनारे की लंबाई, इस एकक सेल के किनारे की लंबाई हमने मान लिया ए है, कितना है तो हमने किनारे की लंबाई ए माना, एकक सेल के किनारे की लंबाई हमने क्या माना, ए। हम नहीं जानते हैं कि ये एफ सीसी है कि बी सीसी की सीसी, अगर मान लेते हैं कि एफ सीसी तो परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या 4, बी सीसी में परमाणु की संख्या, ई सीसी में और सरल घनीय में
लेकिन हमको पता रहे तब ना, हमको पता ही नहीं है कि ये कौन सा एक अक्षेल है, इसलिए मैं परमाणु की संख्या जेड माना, परमाणु संख्या नहीं, परमाणु की संख्या हमने जेड माना। अगर ये सीसी है तो जेड का मान 4, बी सीसी है जेड का मान 2, ई सीसी है जेड का मान, समझ में आ रहा है, और सरल घनी है तो जेड का मान, और जो परमाणु भाग ले रहा है, जो परमाणु भाग ले रहा है उसका अपना परमाणु द्रव्यमान क्या है, एम है, अपना परमाणु द्रव्यमान। अब हम चलते हैं एकक सेल का घनत्व निकालने। आप सभी स्टूडेंट को पता है, सबको पता है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। पीछे द्रव्यमान बटा आयतन, क्या चीज का, एकक सेल का द्रव्यमान बटा एकक सेल का आयतन का अनुपात लगा देंगे तो घनत्व निकल जाएगा। तो हमारे दिमाग में है कि इसका हमको घनत्व निकालना है, तो हमको कहीं से द्रव्यमान मिल जाए और उसका आयतन, तो हम अनुपात लगा देंगे, घनत्व मिल जाएगा। तो हमारा लक्ष्य है कि हम इसका द्रव्यमान निकाल लें। तो एकक सेल का द्रव्यमान, यहां पहले आपको एक बार फिर से बता दें कि आप घनत्व निकालने जा रहे हैं और घनत्व बराबर आप सबके दिमाग में है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी एकक सेल का घनत्व बराबर एकक सेल का द्रव्यमान बटा एकक सेल का। तो एकक सेल का द्रव्यमान कैसे निकलेगा ये सीखना है। एकक सेल या किसी भी एकक कोष्ठिका का यूनिट सेल का अपना कोई द्रव्यमान नहीं होता है, ये खोखला जाल है। इसका द्रव्यमान कहां से आता है, जब एटम कॉर्नर पर, फेस पर, बॉडी में जब एटम उपस्थित होता है तो इसका भार आता है, समझ में आ रहा है बात। यानी कहने का मतलब है कि इस एकक सेल का अपना कोई भार नहीं है, एकक सेल में जब परमाणु उसके कॉर्नर पर, बॉडी में, फेस पर आएंगे तो उसका भार आएगा। यानी वास्तव में एकक सेल का द्रव्यमान बराबर परमाणु का द्रव्यमान, एकक सेल का द्रव्यमान बराबर परमाणु का द्रव्यमान। सवाल उठता है कि एकक सेल का द्रव्यमान निकलेगा कैसे, एकक सेल का द्रव्यमान निकलेगा कैसे, 5 मिनट, एकक सेल का द्रव्यमान निकलेगा कैसे। एकक सेल का द्रव्यमान निकालने के लिए आपको परमाणु का द्रव्यमान निकालना हो, और परमाणु का कुल द्रव्यमान निकालने के लिए एक परमाणु का द्रव्यमान चाहिए, और हमने मान लिया कि जो परमाणु यहां भाग ले रहा है उसका अपना परमाणु द्रव्यमान एम है, अपना परमाणु द्रव्यमान। तो बता दीजिए, ओके, तो एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, एम बटा एन ए, एम बटा एन ए मतलब 6.02 10^23, जो लोग नहीं जानते हैं जान ले, 6.02 10^23 को ही क्या बोलते हैं, एने। तो एक परमाणु का द्रव्यमान है और आपके पास कुल परमाणु की संख्या कितनी है, तो जेड से गुणा करते ही कुल परमाणु का द्रव्यमान निकाल लिए। तो ये हो गया एकक सेल का कुल द्रव्यमान। अब एकक सेल का आयतन निकालना है, तो आप लोग के लिए दाएं बाएं का खेल है आयतन निकालना। भुजा क्यू, एल क्यू यानी ए क्यू, तो ये है एकक सेल का द्रव्यमान, ये है एकक सेल का आयतन। तो अब पूरा पूरा आप सभी स्टूडेंट बताने का क्षमता रखते हैं, क्या क्षमता रखते हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो एकक सेल का द्रव्यमान हो गया एम बाई एन ए इंटू बाई ए क्यू, और फाइनल घनत्व का व्यंजक आपके सामने, ये है घनत्व का व्यंजक एन ए इंटू, ये है घनत्व का सूत्र एकक सेल का। और अब आपके पास इतना क्षमता है कि हर तरह के एकक सेल के लिए, फॉर सिंपल क्यूबिक या फिर आप अपने भाषा में सरल घनीय एकक सेल के लिए, सरल घनीय एकक सेल के लिए, सरल घनीय एकक सेल के लिए, सरल घनीय एकक सेल के लिए क्या होगा, जेड का मान, जेड का मान, जेड का मान हो जाएगा 1। जल्दी से डी बराबर एम गुणे 1 बाई एन ए इंटू ए क्यू, फाइनल, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी बराबर एम बटा एन ए इंटू ए क्यू, कोई दिक्कत है। तो ये हो गया सरल घनीय के लिए।
अब जल्दी से बताइए, यहीं पर हम अब बात कर रहे हैं फॉर एफसीसी, फॉर एफसीसी, फॉर एफसीसी जेड का मान। तो ये हो गया फोर एम, कोई दिक्कत है? फॉर बीसीसी जेड का मान टू, तो यहां पर टू। और ईसीसी सेम, कोई दिक्कत? एक बार शुरू से अंत तक एक मिनट में। मानक एकक सेल जिसका भाग चल रहा है उसके किनारे की लंबाई m है, जो परमाणु भाग ले रहा है उसका परमाणु द्रव्यमान m है और परमाणु की कुल संख्या z है, तो परमाणु द्रव्यमान के m के हिसाब से, अगर परमाणु द्रव्यमान सपोज दैट सोडियम का लेते 23, तो लिखते इसके एक परमाणु का द्रव्यमान 23 बटा 6.02 10 पावर 23, और 23 बटा क्या हो जाएगा Na, 23 बटा क्या हो जाएगा Na, तो ये एक परमाणु का द्रव्यमान सोडियम का होगा, और सोडियम का परमाणु का द्रव्यमान मान लीजिए परमाणु की संख्या अगर 4 है तो 4 से गुणा, तो हमने मान लिया कि परमाणु की कुल संख्या जेड है, परमाणु द्रव्यमान एम है और किनारे की लंबाई ए है, तो एक परमाणु का द्रव्यमान हो गया एम बाई एन ए, समझ रहे हैं? और जेड से गुणा कर दिए तो ये हो गया कुल द्रव्यमान, और ये हो गया कुल आयतन, तो आयत द्रव्यमान को आयतन से भाग दे देंगे तो घनत्व निकल जाए, और इसे ही घनत्व निकल